नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के सायनगंज में सकरी गली में रामपुर पंचायत एवं रेलवे फील्ड समदा में खेल सामग्री वितरित। सामाजिक कार्यकर्ता युवा एवं कांग्रेस के प्रखंड महासचिव रंजीत यादव के द्वारा दर्जनों खिलाड़ियों को फुटबॉल, बल्ला, विकेट, बॉल आदि सामानों का वितरण किया गया। वहीं रंजीत यादव ने कहा कि हम लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे दर्जनों लोगों को राहत और खुशी मिल रही है। जो लोग आर्थिक रूप से लाचार हैं उनके बीच जाकर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति जो जरूरतमंद हैं उनको भी खुशी मिल सके। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौतम यादव शामिल हुए। गौतम यादव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से खिलाड़ियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास संभव है। साथ ही उपस्थित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए साथ ही आशा करते हैं कि खेल के क्षेत्र में आप लोग साहिबगंज का नाम देश और दुनिया में रोशन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नारद यादव, संतोष यादव, अमित यादव, अरविंद राय व अनेक धावक व खिलाड़ी मौजूद रहे। साहिबगंज जिला संवाददाता मोहम्मद गुलजार की रिपोर्ट। सकरी गली आश्रम समदा नाला के पास एक बॉल भी वितरण कर रहे हैं और आगे भी ऐसा प्रोग्राम चलते रहेगा। इससे बच्चों लोग का शारीरिक मानसिक का विकास होगा, खेलेगा, आगे हमारे भारत हमारे साहिबगंज जिला का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात में आप एक बात बोलना चाहते हैं, रंजीत भाई का खेल के प्रति बहुत रुझान है, इसलिए हमेशा फुटबॉल, बैट, बल्ला सभी कुछ देख के बच्चे लोगों को उत्साहित करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद।